हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद छगन अरोड़ा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए सर वाल्टर स्कॉट की फेमस पोएम मर्मियन की समरी हिंदी में लेकर आया हूँ। ये 6 कैंटों में लिखी हुई एक इपिक लेवल की पोएम है और इस पोएम की शुरुआत होती है तो हमें पता चलता है कि ये पोएम मर्मियन नाम के एक नाइट के बारे में है। मर्मियन राजा हेनरी VIII के समय का सबसे मशहूर और सबसे बहादुर नाइट था, जिसकी इज्जत खुद राजा हेनरी VIII भी किया करते थे। इसीलिए उन्होंने उसे एक राजनीतिक मिशन पर स्कॉटलैंड भेजा था ताकि वो वहां जाकर राजा जेम्स से मिलकर सीमा पर होने वाले हमलों को रोक सके। जब मर्मियन स्कॉटलैंड पहुंचते हैं तो वहां उन्हें एक गाइड दिया जाता है जो कि एक पुजारी है जिसने दुनिया भर में सारी तीर्थ यात्राएं की हैं। इसी बीच स्कॉट हमें पास के मठ में चल रही घटनाओं के बारे में बताते हैं जहां पर कुछ महिलाओं पर केस चल रहा है। इनमें से ही एक महिला है जिसका नाम है कॉन्स्टेंस। कॉन्स्टेंस एक जवान लड़की है जो कि पहले नन बन गई थी, लेकिन उसने अपनी नन बनने की वो शपथ को तोड़कर वो अपने प्रेमी के साथ रहने लग गई। इसी के साथ एक दूसरी लड़की और है जिसका नाम है क्लारा डक्लेर। क्लारा डक्लेर जो है ये अभी अभी चर्च में शामिल हुई है। इसका चर्च में शामिल होने का कारण ये है कि इसके प्रेमी के साथ धोखाधड़ी हुई है और इसके प्रेमी को अपमानित किया गया है, जिसके बाद इसे दूसरे व्यक्ति से शादी करने को मजबूर किया जा रहा था। तब दूसरे व्यक्ति से शादी करने से बचने के लिए ये चर्च में शामिल हो गई। इसने अभी शपथ नहीं ली है। तो यहाँ हमें पता चलता है कि इस मठ या इस डेरे के जो डेरा प्रमुख है, उन्होंने कॉन्स्टेंस को दीवार में जिंदा दफनाए जाने की सजा दी है। तो मरने से पहले कॉन्स्टेंस अपनी स्टोरी बताती है कि मर्मियन जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध नाइट हैं जिन्हें सब लोग वर्चूज का अवतार मानते हैं, उन्होंने ही उसे बहकाया है और क्लारा के मंगेतर के खिलाफ एक बड़ा अपराध कराया है और बाद में उन्होंने खुद ही मठाधीश को कॉन्स्टेंस कहाँ छुपी है इसकी सूचना दे दी। मर्मियन ने हमेशा उससे प्यार करने और शादी करने का वायदा किया था। उन्होंने ये कहा था कि यदि कॉन्स्टेंस अपने नन बनने के वायदे को तोड़कर उसके साथ सेक्स करती है, जिसको कॉन्स्टेंस ने मान लिया, वो मठ से भागकर उसके साथ उसका पेज नौकर बनकर रही। पर बाद में मर्मियन ने ये देखा, बाद में कॉन्स्टेंस ने ये देखा कि मर्मियन उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा है क्योंकि उसे तो अब क्लारा डक्लेर पसंद थी। अब वो क्लारा डक्लेर से शादी करना चाहता था। क्लारा कॉन्स्टेंस की तरह सुंदर थी, लेकिन उसमें एक और खासियत थी कि वो बहुत ज़्यादा अमीर थी। तो और क्लारा की सगाई जो है वो भी हो चुकी है। क्लारा की सगाई सर राल्फ डी विल्टन से हो चुकी है। तो यहाँ पर मर्मियन ने अपना गेम खेला। उसने कॉन्स्टेंस को कहा कि तुम एक लेटर लिखो जिसका प्रयोग विल्टन के खिलाफ किया जाएगा। उसे इस बात का कोई पता नहीं था, उसे तो क्लारा के बारे में भी कुछ नहीं पता था। उसने तो सिर्फ यही सोचा था कि मर्मियन की हेल्प कर मैं दोबारा उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लूँगी। लेकिन जब विल्टन को देशद्रोह का इल्ज़ाम लगाकर बाहर भेजा गया तब उसे समझ में आया कि ये सब मर्मियन ने विल्टन की क्लारा से सगाई तुड़वाने के लिए किया था। और इसके बाद कॉन्स्टेंस ने उसे जब बार बार बुलाया तो उससे छुटकारा पाने के लिए ही मर्मियन ने उसकी शिकायत डेरा प्रमुख को कर दी, जिसके बाद कॉन्स्टेंस को जेल में डाल दिया गया और मर्मियन शादी के लिए आज़ाद हो गया। पर क्लारा विल्टन से सच्चा प्यार करती थी, इसलिए उसने नन बनना स्वीकार कर लिया। मर्मियन राजा हेनरी का दोस्त था इसलिए उसे कोई सजा नहीं मिली। विल्टन ने क्लारा का सम्मान बचाने के लिए मर्मियन से ड्यूल द्वंद्व युद्ध भी किया,
पर वह उसमें बुरी तरह घायल होकर हार गया। मर्मियन का प्लान बिल्कुल कामयाब था, पर कॉन्स्टेंस अपना बदला लेने के लिए इस प्लान को ख़त्म करना चाहती थी, इसलिए उसने दीवार में चुनने से पहले डेरा प्रमुख को रिटर्न में सब सबूत दिए कि विल्टन गुनाहगार नहीं है और मर्मियन ने उस पर झूठे आरोप लगाए हैं। इससे कॉन्स्टेंस को माफ़ी तो नहीं मिली और उसे जिंदा दफना दिया गया, पर मठ ने उसके लिए प्रार्थना जरूर करेंगे ये बात कही। अब जो डेरा प्रमुख थे उन्होंने विल्टन को ढूंढने की कोशिश की, पर विल्टन तो खुद ही देश में आ चुका था। जो मर्मियन के गाइड के रूप में पादरी का वेश बनाकर रह रहा था, मर्मियन राजा का काम कर कर एक फ़ायदा उठाना चाहता था। वो ये चाहता था कि क्लारा को मठ से निकाल कर उसे शादी करने के लिए मजबूर किया जाए। राजा को भी ऐसा करने में कोई दिक्कत नहीं थी। जब ये बात समझ में आ गई तो डेरा प्रमुख ने विल्टन को सारे सबूत दे दिए ताकि वो अपने ऊपर लगे हुए आरोपों को गलत साबित कर सके। मर्मियन को अपने किए हुए खतरनाक गुनाहों का कोई पछतावा नहीं था। उसने कॉन्स्टेंस की सजा को भी ज़्यादा सख्त नहीं सोचा। लेकिन एक दिन जब वो होटल में रुका हुआ था तो उसने एक जवान लड़के को गाना गाते सुना। तब उसे ये महसूस हुआ कि हाँ, मैंने कुछ गलती की है। इसी बीच विल्टन स्कॉटलैंड के लॉर्ड को अपने सारे सबूत दिखाता है। ये जो लॉर्ड हैं, ये हैं लॉर्ड आर्चबाल्ड डगलस। ये लॉर्ड डगलस को सारे सबूत दिखाता है जिन्होंने विल्टन को वापस से एक नाइट बना दिया, उसे एक घोड़ा और एक कवच दे दिया। इसी बीच मर्मियन स्कॉटलैंड में राजा जेम्स के दरबार में जाते हैं, जहां वो लेडी हैरान को देखते हैं और वो लेडी हैरान के साथ में अफेयर की कोशिश करते हैं। लेडी हैरान लॉर्ड आर्चबाल्ड डगलस की वाइफ है, लेकिन मर्मियन उससे पाना चाहते हैं। अब यहाँ प्रॉब्लम ये हो जाती है कि लेडी हैरान किंग जेम्स की एक मिस्ट्रेस है, रखेल है। इससे गुस्से में आकर किंग जेम्स मर्मियन को वापस भेज देते हैं और इसी बीच बैटल ऑफ फ्लोडेन शुरू हो जाती है। अब ये जो बैटल ऑफ फ्लोडेन शुरू हो जाती है, जो कि वास्तव में एक ऐतिहासिक घटना थी, ये सितंबर 1513 को हुई थी, इसने सभी की योजनाओं को बदल कर रख दिया। अब ना तो डगलस अपना बदला ले पा रहे हैं, ना ही सर राल्फ द विल्टन अपना बदला ले पा रहे हैं। यहाँ तो हर किसी को अपनी जान बचाने के लिए लड़ना पड़ता है। अब लड़ाई के मैदान में मर्मियन उसी पादरी को देखता है जिसके साथ वो घूमा था। अब पादरी ने एक नाइट की ड्रेस पहन रखी है और वह ये पहचान लेता है कि अरे, ये तो सर राल्फ द विल्टन है। और विल्टन मर्मियन के गलत कामों पर एक मोनोलॉग बोलता है। अब की बार वो लड़ाई दोबारा नहीं होती है। इस मारकाट में मर्मियन को चोट लग जाती है और वो अपने पापों का पछतावा करते हुए मर जाता है। दूसरी तरफ सर राल्फ द विल्टन एक हीरो की तरह लड़कर युद्ध के मैदान पर जीतते हैं। वो राजा को इतना ज़्यादा इम्प्रेस कर देते हैं कि राजा उनकी सारी जमीन वापस कर देता है और उनकी शादी क्लारा द क्लार्क से करने के लिए परमिशन दे देता है। और यहीं पर ही हमारे ये इपिक पोएम एंड होती है। सो फ्रेंड्स, आई होप ये छोटा सा मेरा प्रयास आपको एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगा। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, भारत माता की जय।